वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला कलर। मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक क्विक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें मैं डॉट एंड की वाटरमेलन रेंज की सनस्क्रीन जिसमें आपको SPF 50 एंड PA++ रेटिंग का प्रोटेक्शन मिलता है इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस सनस्क्रीन को मैंने 10 दिन यूज किया है और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 10 दिन यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा वो आपको बताऊंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो इसीलिए मैं अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने डॉट एंड की विटामिन सी सुपर ग्लो सनस्क्रीन भी यूज की है, बीच बीच में मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या डिफरेंस मुझे ऑब्जर्व करने मिला इन दोनों सनस्क्रीन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सी पैकेजिंग है। आपको इसे ऐसे करके ट्विस्ट करना है और बहुत इजीली ये सनस्क्रीन निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनस्क्रीन की जो कंसिस्टेंसी है ये आपको जेल लाइक बहुत ही ज्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी में सनस्क्रीन रिसीव होती है। और जैसे कि नाम से मेंशन है ये एक कूलिंग सनस्क्रीन है। इस सनस्क्रीन को अपने चेहरे पे लगाने के बाद या फिर अपने हाथ पे या फिर अगर आप किसी भी अपने एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट पे सनस्क्रीन को लगाते हैं तो आपको इमीडिएटली एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी कूलिंग सेंसेशन फील होती है। जो सेंसेशन है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है लेकिन हाँ 30-40 सेकेंड्स तक आपको बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट फील होगा। बहुत सारी सनस्क्रीन के साथ क्या होता है उसे लगाने के बाद आपको पसीना आता है, बहुत ज़्यादा हैवी और ग्रीसी जैसी फीलिंग आती है। उसके ऑपोजिट अगर मैं फीलिंग की बात करूँ लगाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उसके लिए मैं इसे 5 में से 5 पॉइंट्स देना चाहूँगी। उसके बाद ये जो सनस्क्रीन है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। लेकिन आजकल मार्केट में जितनी भी सनस्क्रीन आती है मोस्टली सनस्क्रीन जो है उसमें आपको ये सारे के सारे फीचर्स मिलते ही हैं। लेकिन इस सनस्क्रीन की खास बात ये भी है कि इसमें आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, स्पेशली बीट रूट एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है जो कि आपकी स्किन पे विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। यानी कि सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी ए यूवी बी रेस से तो बचाती है लेकिन क्योंकि आपको सूरज से विटामिन डी भी मिलता है तो ये विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करती है जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा इसकी फॉर्मुलेशन, इसके फॉर्मुलेशन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। सबसे पहली बात इसमें आपको 4 केमिकल फिल्टर मिलते हैं और एक इसमें फिजिकल फिल्टर है और ये जो फिल्टर है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एकदम स्टार्टिंग में ही डाले गए हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसमें फिजिकल फिल्टर है तो इसीलिए इसमें आपको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसके साथ साथ ये जो सनस्क्रीन है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ साथ आपकी स्किन को हार्मफुल IR, इंफ्रारेड और ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छी चीज लगी। दूसरी सनस्क्रीन की अच्छी बात मुझे ये लगी बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल स्टिकी ग्रीसी हैवी या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको नहीं देती और इसके साथ साथ ये पील भी नहीं करती है। जबकि जो इनकी विटामिन सी वाली सनस्क्रीन है उसकी और इसकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा अंतर है, वो ज़्यादा रनी है और जबकि ये जो है वो जेल क्रीमी कंसिस्टेंसी में आपको मिलती है। लेकिन वो वाली सनस्क्रीन ना अप्लाई करने के बाद पील करती थी अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट नहीं कर रहे हो। अगर आपने अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट किया है तो पील नहीं करेगी लेकिन हाँ अगर हाइड्रेशन में थोड़ी सी भी कमी है ना तो वो जनरली मतलब मेरे केस में तो यही हुआ कि वो पील करने लगती है तो ये वाली प्रॉब्लम इस सनस्क्रीन के साथ नहीं है। ऊपर से इसमें जो वो कूलिंग सेंसेशन वाला एक टच है वो तो अमेजिंग है। इसके साथ साथ इसमें आपको वाटरमेलन मिल रहा है, एलोवेरा मिल रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और इसके साथ साथ आपकी स्किन के नेचुरल रेडियंस को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये भी है कि इसमें कुछ प्लांट डेराइव्ड आपको शुगर्स मिल रही हैं। ये जो शुगर्स हैं ये आपके लिए आपकी स्किन के लिए एकदम लाइट एक्सफोलिएंट का काम करती है और इसके साथ साथ ह्यूमेक्टेंट का काम भी करती है। इसमें हेलोरोनिक एसिड भी है तो ये जो सनस्क्रीन है ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि कंपोजिशन वाइज बहुत ही अमेजिंग एक प्रोडक्ट है जो डॉट इन के लिए लॉन्च किया है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी देख लो चाहे तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लो, सब कुछ इसके साथ परफेक्ट है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सनस्क्रीन प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो गाइज मेरा इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे हों उनका या तो आप चैनल रिव्यू कीजिए अगर उन्होंने कुछ आपको प्रेगनेंसी सेफ सनस्क्रीन रिकमेंड की हो या फिर आप अपने डॉक्टर से भी रिकमेंडेड कोई सनस्क्रीन थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए इन कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया।
तो गाइज मुझे उम्मीद है कि मेरा पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।